हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ये क्वेश्चंस आपके सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स वन लाइन है ना, लाइक क्वेश्चंस, इनके फोर ऑप्शंस और उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिससे कि जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाती है तो उनकी लिंक उस ग्रुप में भी शेयर की जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाए तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देख पाएँ। प्लस फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, ये भी है कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें मतलब कई सारे क्वेश्चंस भी हैं इस वीडियो में, तो जिस टॉपिक पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो गया, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उन्हें अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो भी आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लाइक जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उस पर भी आपको सॉल्यूशंस दिया जाएगा। लाइक उस टॉपिक पर भी आपको वीडियोस बना के दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। लाइक अब अर्थ हो गया, अर्थ इन द सेंस पृथ्वी आपकी हो गई, जस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अर्थ हो गया, जस्ट मान लेते हैं। एंड तो इस पे इंडिया कितने परसेंटेज में है फ्रेंड्स? तो इंडिया का जो एरिया है वो 2.4% है बस। लाइक आप समझ सकते हैं, अगर ये पृथ्वी आपकी 100% हो गई तो 100% में इंडिया सिर्फ और सिर्फ इतने में ही है। आप इतना देख सकते हैं, 2.4 इतना ही होगा, इससे भी कम होगा। तो इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 है। नेक्स्ट वन इज, अगर वर्ल्ड में हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें या अर्थ में, अर्थ पे जितनी पॉपुलेशन टोटल है तो उसमें इंडिया कितने परसेंटेज में है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5। तो 17.5 वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन है इंडिया का एंड सरफेस एरिया 2.4 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर इज अ म्यांमार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर यूनिट। लाइक करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर यूनिट नहीं है, थ्री यूनिट इज योर करेक्ट आंसर। लाइक जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को थ्री यूनिट में डिवाइड किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज योर सी। फ्रेंड्स, ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ रीजन 1600 मिलियन ईयर एगो। सो कौन सा रीजन 600 मिलियन ईयर एगो का है, लाइक पहले का है? तो दैट इज करेक्ट आंसर इज अ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आपका 600 मिलियन पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, माउंट एवरेस्ट इज प्रीडोमिनेटली कंपोज्ड ऑफ। सो ये कंपोज ऑफ है एल्यूवियम का। नेक्स्ट वन इज, गोंडवाना सिटीज इज वेरी रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो गोंडवाना लिख में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल्स है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कोल। एंड पाइगमेलियन पॉइंट ऑफ व्यू एज अ साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लाइक ये साउथ का मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच नेपाल बॉर्डर। लाइक अब कई सारे आप जानते हैं कि इंडिया के स्टेट जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं, नेपाल आपका एक कंट्री है जो कि इंडिया से सटा हुआ है बिल्कुल, तो पंजाब का बॉर्डर बस नेपाल को टच नहीं करता, अदरवाइज वेस्ट बंगाल भी टच करता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी टच करता है एंड आपका बिहार भी टच करता है, बट पंजाब का बॉर्डर नेपाल बॉर्डर को टच नहीं करता। नेक्स्ट वन इज, ज्योलॉजिकल विच ऑफ विच वन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा यहाँ पे
जियोलॉजिकल ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का. सो साउथ साउथर्न पेनिनसुला इज ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल पार्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज द ग्रेट हिमालया कम इंटू एग्जिस्टेंस. सो जो ग्रेट हिमालया कब एग्जिस्टेंस में आया फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इज लोअर माइकॉन. सो लोअर माइकॉन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सेमिस्मिक पॉइंट विच रीजन इज मोस्ट स्टेबल. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेकर. एंड विच वॉज कनेक्ट द कश्मीर वैली एंड पंजाब प्लेन. तो कश्मीर वैली एंड पंजाब प्लेन को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला जो है वो है पीर प्रांजल. सो पीर प्रांजल इज योर करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका लद्दाख रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन. तो लद्दाख जो रेंज है वो किसके बीच में सिचुएटेड है फ्रेंड्स, सो काराकोरम एंड जास्कर के बीच. नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन ऑफ लद्दाख प्लेट इज अबाउट. सो करेक्ट आंसर इज 22,500 मिलियन अबव सी लेवल. 2,500 मीटर अबव सी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दून आर फाउंड मेनली इन द. तो दून को कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, गढ़वाल कुमायूं हिमालय में. एंड द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन. तो आपका जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है फ्रेंड वो है सियाचिन का. और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मीज रह करके अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड कांगड़ा वैली इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, लाइक जो कांगड़ा वैली है वो आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ट्रांस हिमालय जो आपका फ्रेंड्स है वो लद्दाख रेंज में आता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. एंड रे और कलर इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. तो रे और कलर आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. एंड जो भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया उनमें अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. तो लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नेम से कौन सी रिवर को जाना जाता है फ्रेंड. सो करेक्ट आंसर इज योर गंगेस. लाइक आप जानते हैं गंगा को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया मानते हैं. गंगा इंडिया की पवित्र रिवर है. ये भी माना जाता है कि हिंदुओं का एक काफी पवित्र रिवर है. और यहाँ पे हिंदू अपने पाप को धो दिया करते हैं. लाइक यहाँ पे नहाने से हिंदुओं के सारे पाप धुल जाते हैं. एंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है फ्रेंड्स कंचनजंगा. सो कंचनजंगा इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया. तो इंडिया की कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड्स तो वो न्यू दिल्ली है. और न्यू दिल्ली आपकी एक यूनियन टेरिटरी भी है. एंड इंडिया में अगर मैं टोटल स्टेट की बात करूँ फ्रेंड्स तो 28 स्टेट है. एंड टोटल यूनियन टेरिटरी की बात करूँ फ्रेंड्स तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया में है. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया. तो क्षेत्रफल या एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है. एंड पॉपुलेशन बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो वो स्टेट कौन सा, इसे फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स कि 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में एंड 28 स्टेट है इंडिया में. तो कौन सा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं है फ्रेंड्स. तो गोवा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये एक स्टेट है. सो गोवा इज योर करेक्ट आंसर. विच रिवर फ्लो थ्रू द सुंदरबन डेल्टा. सो सुंदरबन डेल्टा की साइड से लाइक कौन सी रिवर बहती है. सो दैट इज नोन एज अ ब्रह्मपुत्र. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया. सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इनमें से किस स्टेट के थ्रू पास करती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश. एंड पिंक सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला. तो केरला स्टेट में सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज को बोला जाता है फ्रेंड्स. तो दैट इज अ मलयालम. तो मलयालम को केरला में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. एंड विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द तोंगपो इन द तिब्बत. सो तिब्बत में तोंगपो रिवर किस किसको बोला जाता है फ्रेंड्स. तो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है.
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। सो लेक विक्टोरिया इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। एंड विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। एंड यहाँ पे एक सूर्य मंदिर, कोणार्क में एक सूर्य मंदिर भी है फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो सूर्य मंदिर आपका, सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। सो बेंगलुरु इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। सो बेंगलुरु इज योर करेक्ट आंसर। एंड विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर। तो गोदावरी को फ्रेंड्स येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, तो येलो रिवर इज योर गोदावरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया का मैनचेस्टर फ्रेंड अहमदाबाद को बोला जाता है। एंड सिलिकॉन वैली सिटी आपका बेंगलुरु को बोला जाता है फ्रेंड्स। एंड पिंक सिटी आपका जयपुर को बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। प्लस झीलों का शहर आपका उदयपुर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो दमन एंड दीव भी आपकी यूनियन टेरिटरी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ थर्न बोल्ट। सो लैंड ऑफ थर्न बोल्ट स्टेट आपका फ्रेंड्स है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट वेस्टर्न घाट्स। सतपुरा इज नॉट अ पोर्ट वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, दक्षिण गंगा के नाम से कौन फेमस है। तो नर्मदा रिवर जो है फ्रेंड्स वो आपकी दक्षिण गंगा के नाम से भी फेमस है। एंड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लाइक स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है फ्रेंड्स। सो करेक्ट आंसर इज अ केरला। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है फ्रेंड हिमालय। एंड हाईएस्ट पीक की बात करूँ तो वह है आपकी कंचनजंगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सॉइल टाइप फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में फ्रेंड्स आपकी रेड सॉइल भी पाई जाती है, लैटराइट सॉइल पाई जाती है, ब्राउन सॉइल भी पाई जाती है, बट यहाँ पे हाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, लैटराइट सॉइल भी पाई जाती है, बट यहाँ पे ब्राउन सॉइल नहीं पाई जाती। तो ब्राउन सॉइल इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज योर बेंगलुरु। सो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ सन ऑफ गॉड। सो लैंड ऑफ सन ऑफ गॉड आपका गुजरात स्टेट को बोला जाता है। एंड गुजराती कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। बट गांधीनगर के पहले फ्रेंड्स गुजरात की कैपिटल आपकी थी अहमदाबाद, बट प्रेजेंट टाइम में गांधीनगर है। एंड फ्रेंड यहाँ पे अगर देखें कि दोनों सिटी किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो ये साबरमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी में फ्रेंड्स गंगे मतलब कि गंगा जी बहती हैं। एंड गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन आपका प्रयागराज में होता है। एंड पहले ये अल्लाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, बट इसका मिलन प्रयागराज में होता है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड, काशी विश्वनाथ का टेम्पल भी वाराणसी में है। एंड वहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क इन इंडिया। तो यहाँ पे कई सारे पार्क हैं और इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है फ्रेंड्स। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज नॉट अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। एंड जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा भी नेशनल पार्क इट है, बंधागढ़ भी आपका नेशनल पार्क है, बट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। सो लैंड ऑफ फेस्टिवल, लाइक फेस्टिवल का जगह किस स्टेट को माना जाता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल फ्रेंड्स लखनऊ है। एंड लखनऊ आपकी गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है।
यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं एंड यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आप लर्न रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है फ्रेंड्स, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किस स्टेट को बोला जाता है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पंजाब। तो पंजाब को आप, पंजाब स्टेट को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं, एंड अगर इन क्वेश्चंस में फ्रेंड कहीं आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर आईलैंड इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज धनुष कोड़ी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पकौड़ा। सो मिजोरम को फ्रेंड लैंड ऑफ गोल्डन पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिल स्टेशन इन इंडिया। लाइक गया में आपका कोई हिल स्टेशन नहीं है, गया आपका फ्रेंड्स बिहार स्टेट में पड़ता है, ये भी आपको लर्न रखना है। एंड बिहार स्टेट की कैपिटल की बात करूँ तो वो पटना है, एंड पटना में लाइक प्रेजेंट टाइम में बिहार के सीएम आपके नीतीश कुमार जी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ द रेड रिवर। सो यहाँ पे फ्रेंड फोर ऑप्शन है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो लैंड ऑफ रेड रिवर के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द साल्ट डिजर्ट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। सो साल्ट डिजर्ट आपका रन ऑफ कच्छ या रन के कच्छ को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, विच रिवर इज नोन एज द सौरवा बंगाल। सो तीस्ता रिवर को फ्रेंड सौरवा बंगाल बोला जाता है। इसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स कि तीस्ता रिवर की वजह से बंगाल में हर साल फ्लड आता है, जिस वजह से तीस्ता रिवर को सौरवा बंगाल बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड कि सौरवा बिहार किसको बोला जाता है, लाइक किस रिवर को सौरवा बिहार बोला जाता है। तो कोशी रिवर की वजह से बिहार में हर साल फ्लड आ जाता फ्लड आता है, तो कोशी रिवर को सौरवा बिहार बोला जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज अ विपिन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, तो इंडिया का कौन सा स्टेट लैंड ऑफ हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। सो नागालैंड को लैंड ऑफ हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चंस को फ्रेंड आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ताप्ती। ताप्ती इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासिस। सो लैंड ऑफ हाई पासिस फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है, या लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडिया का जाना जाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है फ्रेंड्स दूध सागर फॉल। सो दूध सागर फॉल इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे यहाँ पे जोग फॉल है, केम्प्टी फॉल है,
कोंचकल फॉल है, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे दूधसागर फॉल है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरल आइलैंड इन इंडिया। सो पंबन आइलैंड जो फ्रेंड है वो आपका कोरल आइलैंड नहीं है। एंड लैंड ऑफ एलिफेंट किस स्टेट को बोला जाता है फ्रेंड्स? तो लैंड ऑफ एलिफेंट आपके केरला स्टेट को बोला जाता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्लस फ्रेंड इस वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो के एक भी क्वेश्चन को फ्रेंड आपको मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? सो हाईएस्ट लेक इन इंडिया कौन सा फ्रेंड यहाँ पे है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, गुरु डोनमंगर लेक इज योर करेक्ट आंसर। तो गुरु डोनमंगर लेक इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेट्यू ऑफ इंडिया? सो नीलगिरी प्लेट इंडिया का प्लेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स। सो लाइक किस स्टेट को लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स बोला जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली जो रिवर है फ्रेंड, सो वो है आपकी गोदावरी डेल्टा है। गोदावरी डेल्टा इंडिया की सबसे बड़ी डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? सो शतपुरा रेंज ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, बट आपका सिमलीपाल हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स एंड जावादी हिल्स, ये सारी चीज़ें ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं। एंड साल्ट रिवर के नाम से किस रिवर को जाना जाता है फ्रेंड? तो लोनी जो रिवर है आपकी, वो आपकी साल्ट रिवर है, लाइक वहाँ की पानी खारी होती है, दैट्स वाई लोनी रिवर इज नोन एज अ साल्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है आपका विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। एंड सतपुड़ा रेंज में फ्रेंड्स आपका विंध्य रेंज भी नहीं आता है, तो ये भी आपका काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक यहाँ क्वेश्चन है ना 50 नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज? सो सतपुड़ा रेंज का पार्ट कौन सा नहीं है? तो विंध्य रेंज इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच रिवर इज नोन एज द यरलुंग ट्रांसपो इन द तिब्बत? तो ब्रह्मपुत्र को यरलुंग ट्रांसपो रिवर भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे इंडिया का नहीं है? लाइक आप NH1 देख रहे हैं, NH7, NH12, NH22। सो करेक्ट आंसर इज NH12। तो NH12 कोई इंडिया का हाईवे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक। एंड लैंड ऑफ द थंडर डार्गन? तो लाइक विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ थंडर डार्गन? सो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटलैंड इन इंडिया? सो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का वेटलैंड नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट? सो छत्तीसगढ़ इज योर करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ को लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, लाइक जंगल का प्लेस भी उसे बोला जाता है, और वहाँ पे फॉरेस्ट है भी बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसा भी न्यूज़ में सुनने आता है कि वहाँ टेररिस्ट इन द सेंस जो नक्सलाइड वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है फ्रेंड्स लेह कुशक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? तो नीलगिरी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया एज द लैंड ब्लैक डायमंड? तो लैंड ब्लैक डायमंड आपका किसको बोला जाता है फ्रेंड? झारखंड। और झारखंड की कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड, तो वो है रांची,
और इसे क्यों लैंड ब्लैक डायमंड बोला जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, दैट्स व्हाई झारखंड इज नोन एज अ लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर आईलैंड इन इंडिया? सो भवानी आईलैंड इज नॉट अ रिवर आईलैंड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आईलैंड इन इंडिया? सो यहाँ पे फोर ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट इज मजूली, सेकेंड इज डिब्रू शेखुआ आईलैंड, थर्ड इज उमानदा आईलैंड, फोर्थ इज बितारिनिका आईलैंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे माजुली। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पोर्ट इन इंडिया? लाइक कहाँ पे मेजर पोर्ट इंडिया में नहीं है, दैट इज करेक्ट आंसर इज अ बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक है फ्रेंड अनामुड़ी। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लैंड ऑफ फेस्टिवल किसको बोला जाता है फ्रेंड? लाइक सबसे ज्यादा फेस्टिवल या किस स्टेट में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा इज योर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सो अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? सो अगाटी आइलैंड इज योर करेक्ट आंसर। तो अगाटी एक ऐसा आइलैंड है जो अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड रोश आइलैंड एंड हेवलॉक आइलैंड, ये सब आपके निकोबार आइलैंड के पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, लाइक किस स्टेट को व्हाइट एलिफेंट का प्लेस माना जाता है, स्टेट माना जाता है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तो असम को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी बोला जाता है, यहाँ पे सफेद हाथी पाए जाते हैं ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पास इन इंडिया? सो खारदुंग ला पास आपका इंडिया, आपके इंडिया का सबसे हाईएस्ट पास भी माना जाता है फ्रेंड्स। तो इट इज योर करेक्ट आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स? सो अनामुड़ी आपका नीलगिरी हिल्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ ऑरेंज? सो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा ऑरेंज पाया जाता है फ्रेंड? तो वो आपका नागालैंड है। तो नागालैंड में फ्रेंड बहुत ऑरेंज पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा डैम है फ्रेंड्स टेहरी डैम। वैसे यहाँ पे बाकला डैम भी है, हीरा कुंड भी है, सरदार सरोवर डैम भी है, बट इंडिया का जो सबसे बड़ा डैम है फ्रेंड्स तो वो आपका टेहरी डैम है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे भी आप लर्न रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोल फील्ड इन इंडिया? सो कुंडेरमुख कोल फील्ड इज नॉट अ मेजर कोल फील्ड इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज योर कुंडेरमुख कोल फील्ड। सो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। एंड विच स्टेट इन इंडिया इज सोन एज द लैंड ऑफ ब्लैक पगोड़ा? सो लैंड ऑफ ब्लैक पगोड़ा फ्रेंड्स उड़ीसा को बोला जाता है, और लैंड ऑफ ब्लैक पगोड़ा के नाम से उड़ीसा जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? सो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेक कहाँ पे है फ्रेंड्स? यहाँ पे फोर ऑप्शन है, लेक विक्टोरिया कैस्पियन सी में, लेक सुपीरियर में, या टीटीकाका। सो टीटीकाका में फ्रेंड्स आपके सबसे हाईएस्ट लेक पाए जाते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गोल्फ ऑफ मन्नार? सो पंबन आइलैंड, एडम्स बीच, ट्यूटिकोरिन पोर्ट एंड अंडमान आइलैंड। सो यहाँ पे गोल्फ मन्नार का पार्ट आपका अंडमान आइलैंड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग मून? सो लाइक सूरज निकलने वाला स्टेट तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, बट लैंड ऑफ राइजिंग मून है फ्रेंड वो आपका है। लाइक लैंड ऑफ अगर राइजिंग सन की बात करें तो वो तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड लैंड ऑफ राइजिंग मून की बात करें फ्रेंड्स वो मिजोरम है।
इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बाई एरिया? सो वर्ल्ड में एरिया के थ्रू अगर हम माने तो सबसे बड़ी डेल्टा है गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सो गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? सो सिंपली पाल हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। एंड रिवर ऑफ शोरो, लाइक इंडिया के दुख किसको माना जाता है फ्रेंड्स? तो वो गंगेज को माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स की, क्योंकि गंगा जी की वजह से बहुत से जगह पे फ्लड आता है, तो इसलिए यहाँ पे गंगेज को रिवर ऑफ शोरो भी बोला जाता है फ्रेंड्स। एंड बाकी हमने ये भी देख लिया कि बंगाल की शौरो किसको बोला जाता है या बिहार का शौरो किसको बोला जाता है। तो फ्रेंड बंगाल के जो शौरो है तो हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में, तो वो हो गई तिस्ता रिवर। एंड इंडिया का शौरो आपका गंगेज हो गया, एंड बिहार के शौरो को हमने देखा तो वो करेक्ट आंसर था आपका कोशी रिवर। ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? तो ये हमने देख लिया सिंपली पाल हिल्स आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। एंड विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ सिल्क? सो लैंड ऑफ सिल्क के नाम से असम स्टेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया? तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेट है फ्रेंड्स डेक्कन प्लेट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अरावली रेंज? तो अरावली रेंज का पार्ट दिलवारा टेम्पल नहीं है। बाकी यहाँ पे गुरु शिखर, माउंट आबू एंड जयगढ़ फोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके अरावली रेंज के पार्ट हैं, बट दिलवारा टेम्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज। सो दिलवारा टेम्पल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, इंडिया के किस स्टेट को फ्रेंड लैंड ऑफ डायमंड माइंस माना जाता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा डायमंड फ्रेंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को लैंड ऑफ डायमंड माइंस के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड को आपने देख लिया फ्रेंड, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स लर्न रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो इंडिया में आप जानते हैं फ्रेंड बहुत सारे लेक हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं, मतलब इनफाइनाइट लेक है, वाटरफॉल है, बट सबसे फ्रेश वाटर किस लेक में मिलता है इंडिया के फ्रेंड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वुलर लेक। सो वुलर लेक में इंडिया के सबसे फ्रेश वाटर पाए जाते हैं फ्रेंड, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शतपुरा रेंज? तो शतपुरा रेंज का पार्ट यहाँ पे कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फोर ऑप्शन है, विंध्या रेंज, अजंता हिल्स, पंचमढ़ी हिल्स एंड महादेव हिल्स, बट करेक्ट आंसर इज योर विंध्या रेंज। सो विंध्य रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ शतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन टेम्पल? सो गोल्डन टेम्पल का स्टेट फ्रेंड किसको बोला जाता है? तो आपका पंजाब है। एंड पंजाब के अमृतसर सिटी में गोल्डन टेम्पल पाया जाता है, और वो गोल्डन टेम्पल सिख का है, लाइक सिख रिलीजियस वालों का काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा भी है। दैट्स वाई लैंड ऑफ गोल्डन टेम्पल इज नोन एज पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर आईलैंड इन द वर्ल्ड? सो लार्जेस्ट रिवर आईलैंड कौन सा है फ्रेंड? तो यहाँ फोर ऑप्शन है, माजुली, डिब्रू शैखुआ आईलैंड, विटारनिका आईलैंड एंड उनामडा आईलैंड। करेक्ट आंसर इज योर माजुली। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया? सो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे इट इज नॉट अ मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया, लाइक ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन सैंड्स?
सो लैंड ऑफ गोल्डन सैंड्स के नाम से जाने वाला फ्रेंड्स आपका स्टेट है गुजरात। तो गुजरात इज योर करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द एशिया? तो एशिया की सबसे बड़ी डेल्टा है गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा। एंड गुजरात कैपिटल फ्रेंड्स आप याद रखेंगे गांधीनगर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन इज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट आपका अरुणाचल प्रदेश है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्फ ऑफ कच्छ? सो यहाँ पे फोर आंसर है फ्रेंड, जामनगर, द्वारका, भावंगर एंड मांडवी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स भावंगर जो है वो आपका, भावंगर आपका नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ का ये पार्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ पल्स? सो सबसे ज्यादा पल्स कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज केरला, सेकेंड इज आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज तमिलनाडु एंड लास्ट वन इज केरला, सॉरी कर्नाटका। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला को लैंड ऑफ पल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज योर करेक्ट आंसर इज योर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में फ्रेंड आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है सैडल पीक। वैसे यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं, सैडल पीक, माउंट हैरियर एंड रोज आइलैंड एंड ग्रेट निकोबार, बट करेक्ट आंसर इज योर सैडल पीक। तो सैडल पीक आपका अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक भी है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरावली रेंज? सो यहाँ पे माउंट आबू, गुरु शिखर, जैगर फोर्ट एंड दिलवारा टेम्पल। तो फोर ऑप्शन है, बट अरावली रेंज का आपका पार्ट दिलवारा टेम्पल नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स? सो ये तो क्वेश्चन रट लीजिए फ्रेंड। तो लैंड ऑफ सेवन सिस्टर के नाम से असम स्टेट को जाना जाता है फ्रेंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर? सो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इज गंगेस, सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र, थर्ड वन इज गोदावरी एंड फोर्थ वन इज नर्मदा। सो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट? सो यहाँ पे भी फोर ऑप्शन है, फर्स्ट इज अनामुड़ी, सेकेंड इज कोर्ग, नेक्स्ट इज महाबलेश्वर एंड फोर्थ इज कुट्रेमुख। सो करेक्ट आंसर इज योर कोर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इन इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ गॉड? तो लैंड ऑफ गॉड के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फोर ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश। वैसे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर तो आपका उत्तराखंड है। लाइक लैंड ऑफ गॉड आपके उत्तराखंड को ही माना जाता है। एंड उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, बट अब इसे सेपरेट कर दिया गया और अपने आप में उत्तराखंड एक स्टेट बन चुका है। वैसे फ्रेंड यहाँ पे लैंड ऑफ गॉड उत्तराखंड को माना क्यों जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्म के टेम्पल्स पाए जाते हैं। लाइक वहाँ पे आपके आपने अमरनाथ की यात्रा एंड जगन्नाथ तो पुरी में पाए जाते हैं। लाइक आपके वहाँ पे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। लाइक वहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, लाइक गंगोत्री का आपने नाम सुना होगा एंड बाण गंगा। एंड इसके अलावा वहाँ पे एक सिटी है, लाइक वहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए चार धाम की यात्रा भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो इन सब की वजह से लाइक बहुत सारे वहाँ पे रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस के टेम्पल पाए जाने की वजह से लैंड ऑफ गॉड भी उस स्टेट को बोला जाता है। वैसे फ्रेंड वहाँ पे पहाड़ी भी हैं और पहले के जो हिंदू रिलीजन में जो देवी देवता होते थे वो पहाड़ों पे ही रहना पसंद करते थे ताकि वो किसी से मिल ना पाए, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए तपस्या में। सो ये रीज़न है कि आपके उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है।
एंड हरिद्वार में आप जानते हैं उत्तराखंड में ही है, और वहाँ पे कितने टेम्पल्स हैं, लाइक बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और ऋषिकेश भी आप सुने होंगे, और ऋषिकेश में भी फ्रेंड्स बहुत सारे टेम्पल्स हैं, दैट्स वाई उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज। अरावली रेंज में फ्रेंड्स जो आपका हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पे फोर ऑप्शन है। फर्स्ट इज गुरु शिखर, सेकेंड इज माउंट आबू, थर्ड वन इज तारागढ़ हिल, एंड फोर्थ वन इज नाहरगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड नाहरगढ़ तो एक फोर्ट हो गया, तारागढ़ आपका एक हिल है, एंड माउंट आबू एक आपकी पहाड़ी है, एंड फोर्थ वन इज गुरु शिखर। सो गुरु शिखर फ्रेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, एंड ये आपकी हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। सो फ्रेंड ये आपके जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे, वीडियो को आप पूरा ही देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है आप रिपीट करके भी देखेंगे, एंड जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उन पर रिप्लाई आपको दिया जाएगा। एंड ये फ्रेंड्स अपने ये वीडियो फ्रेंड आप सब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी ये सब क्वेश्चंस तैयार हो पाए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लाइक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, सारे चीज़ों को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी लेटेस्ट और वीडियो बने तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। प्लस फ्रेंड जो भी आपके टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उन्हें अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको उस पर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे सब अवेलेबल कराई जाएगी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए, और आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपकी कंपटीशन की स्टडी और बेटर तरीके से हो पाए। थैंक यू सो मच।